नमस्कार बच्चों, इंग्लिश बाबा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर पंकज सिंह। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है ब्रीफ रिव्यू ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को आप काउंटिंग में यूज करते हो। जैसे सबसे पहले किसी बच्चे को अगर नंबर सिस्टम सिखाया जाता है, नंबर सिखाया जाता है, तो वही सिखाया जाता है बेटा, 1 2 3 4 काउंट करना, ठीक है, चीजों को। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे तक जा सकता है, 5 6, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इसमें एक्चुअली, ठीक है। तो एंड सो ऑन मतलब 3 डॉट्स का मतलब सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। एज मेनी एज नंबर यू कैन थिंक यू कैन राइट हियर, जितना भी नंबर आप सोच सकते हो वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया। अब आते हैं बेटा होल नंबर। तो चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उससे ही हम मैं क्या करता हूँ सारी चीजों को जोड़ करके सारे नंबर्स को सिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा आपको, ठीक है। तो जैसे पहले बताया मैंने, जैसे कोई बच्चा, उसको हमने 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा बेटा? उसने नंबर सीखने के बाद वो चीजों को ऐड करना सीख लिया, ठीक है। 2 प्लस 2 4, तो 4 भी अपने नंबर में था, ठीक है। 3 प्लस 2 5, ये भी अपने नंबर सिस्टम में था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, और नेचुरल नंबर में एडिशन का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। तो जब सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है बेटा, तो देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है कि 3 माइनस 2 किया, 1 आ गया बच्चे को, ठीक है। 5 माइनस 3 किया, 2 आया, वो भी आ रहा है अपने नंबर सिस्टम में, है नेचुरल नंबर में, इसका इन सभी चीजों का काम हो जा रहा था नेचुरल नंबर से। लेकिन जैसे उस बच्चे ने सब्ट्रैक्शन किया और उसने 3 माइनस 3 किया, तो जो चीज आ रही थी 3 माइनस 3 0 या 4 माइनस 4 0, तो ऐसी कोई चीज अपने नंबर सिस्टम में था नहीं। 0 अपने नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर सिस्टम में तो था नहीं। सबसे पहले बच्चे को हमने क्या सिखाया? काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर में बेटा 0 तो था नहीं, तो सब्ट्रैक्शन का काम हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, काम अपना गड़बड़ हो जा रहा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमें जरूरत पड़ी 0 की, ठीक है। तो हमें 0 की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या कर दिया, अपने नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर सिस्टम था उसमें हमने 0 को इंक्लूड कर लिया। तो जैसे ही 0 को इंक्लूड किया, हमने उस नंबर सिस्टम को बोल दिया होल नंबर, ठीक है। मतलब हमने ये ज़ूम कर लिया कि अभी ये होल हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कमी रह गई बच्चों। क्या कमी रह गई? देखो, अब जैसे थोड़ा सा वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने 3 माइनस 3 0 कर दिया, 4 माइनस 4 0 कर दिया, लेकिन वो बच्चा जो था वो थोड़ा नॉटी था, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया 4 माइनस 5, और उसने टीचर से पूछ लिया, भाई 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा। अब टीचर हो गया परेशान, अरे भाई अब तो फिर कुछ नया और जोड़ना पड़ेगा अपने नंबर सिस्टम में। तो उस टीचर ने क्या कर दिया, उस टीचर ने एक और नंबर सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या कर दिया उसने बेटा, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 3 माइनस 4 करते हैं और आपको -1 चाहिए, तो उसने ऐसे नंबर्स को भी अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया, और उसको क्या बोला, इंटीजर्स। तो इंटीजर समझ में आया क्या होता है? इंटीजर्स वो होते हैं जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, और फिर उसके बाद हम उसमें होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं। तो जो होल जो नंबर सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पे डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अभी क्योंकि अभी कहानी में डेसिमल तो आया ही नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तक चाहिए, ठीक है। जैसे 3 इंटू, अभी क्या किया भाई, सब्ट्रैक्शन के बाद 3 इंटू,
वन भी कर दिया, थ्री आ गया वो भी अपने इसमें था, लेकिन थ्री इंटू माइनस वन किया तो अब हमको चाहिए थ्री माइनस थ्री, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया इंटीजर्स। तो आप ये समझिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, जैसे जैसे हमें नीड फील हुई, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, वैसे वैसे हमने अपने नंबर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। तो जैसे ही उस बच्चे ने एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, उसको एक नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत पड़ी, जैसे 5 माइनस 7 किया उसने, तो जो नंबर आएगा वो अपने होल नंबर में तो था नहीं, नेचुरल नंबर में तो था नहीं, तो उसने क्या किया भाई, एक ऐसा नंबर सिस्टम बना जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए, और उसने क्या कर दिया -2, 5 माइनस 2 क्या कर दिया -5 माइनस 7 कितना होता है -2, तो उसने ऐसे नंबर्स को किस कैटेगरी में रख दिया इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो उसने अब इंटीजर्स को भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स अपने नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन इनफिनिट तक जाएगा। फिर उसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स जो है -1 -2 -3 -4, आगे -5 -6 एंड सो ऑन अप टू -इनफिनिट, ठीक है। तो जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, अभी हम डेसिमल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव जो होते हैं नेचुरल नंबर उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो क्या है, ठीक है, ये आप बताओगे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, आप कमेंट करके इस वीडियो में बताओगे कि जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या है बेटा, अगला नंबर सिस्टम है रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कभी कुछ की जरूरत पड़ी थी, कभी कुछ की जरूरत पड़ी, तो जो साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस था अपना हो गया परेशान, ठीक है। उसने कहा कि ले भाई एक ही नंबर अज्यूम कर लेता तो फाइनल है, इसमें सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या कह दिया रियल नंबर। रियल नंबर बेटा इसमें सब कुछ है, जो भी नंबर आप सोच सकते हो सब कुछ इस रियल नंबर में है, ठीक है। एनीथिंग, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, एवरीथिंग, वट एवर नंबर यू नो, सब कुछ इस रियल नंबर में है, ठीक है, समझ में आ रही बात। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे ऑल नंबर्स एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो अपना रियल नंबर्स होते हैं उसमें सारे तरीके के नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं रियल नंबर्स बेटा, रियल नंबर्स में क्या होता है, सब तरीके के नंबर्स आते हैं, मतलब इंटीजर्स भी, और देखो आप तो बस यही जानते हो भाई, या तो नंबर में इंटीजर्स होगा तो जिसमें डेसिमल नहीं होगा, और या तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स तो हमने ऊपर देख लिया, इंटीजर्स की कैसे जरूरत पड़ी वो भी हमने स्टोरी के माध्यम से समझा। अब इंटीजर्स के बाद क्या होता है, डेसिमल नंबर्स आते हैं। अब डेसिमल नंबर्स कब जनरेट हुआ बेटा, डेसिमल नंबर की जरूरत हमें कब पड़ी, जब हमने डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है। जब हमने डिवीजन स्टार्ट किया तो हमें डेसिमल नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो देखो डेसिमल नंबर सबसे पहले कितने तरीके के होते हैं, डेसिमल नंबर कितने तरीके के हो सकते हैं, तो अगर आप देखोगे डेसिमल नंबर, जब भी हमने डिवीजन किया, मतलब देखो 4/2 अगर डिवीजन किया तो 2 आया, यहाँ पर डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो अपना इंटीजर से काम हो जा रहा था। 6/3 किया 2 आ गया, यहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, या 6/ कुछ भी कर लो 2 कर लो, यहाँ पर 3 आ गया तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, डेसिमल नंबर। लेकिन जैसे हमने 6/4 किया तो हमें किसकी 1.5 की जरूरत पड़ी, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें डेसिमल भी होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर से ही काम नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने रियल नंबर ज्यूम कर लिया, रियल नंबर में जो भी आएगा सब आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, मतलब इंटीजर्स, ठीक है, नेचुरल, होल, जीरो, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन द रियल नंबर। तो अब डेसिमल नंबर, अब जब आप डिवीजन करते हो बेटा, डिवीजन करते हो, डिवीजन के अलावा भी देखो, डिवीजन से ही सिर्फ डेसिमल नंबर नहीं जनरेट होते, पहले बात तो ये समझना है हमको आज, ठीक है, सिर्फ डिवीजन से ही डेसिमल नंबर नहीं जनरेट होते हैं, ये चीजें समझनी है। तो पहले अगर मान लो डिवीजन से जनरेट होते हैं, तो जब आप दो चीजों को डिवीजन करते हो तो आप ध्यान दोगे, दो तरीके का नंबर आप बना सकते हो, या तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा इस तरह का नंबर 2.3,
या फिर 3.45, ये एक कैटेगरी हो गया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी का अगर आप डिवीजन से करते हो, किसी भी दो चीजों को डिवाइड करते हो, तो आप देखोगे कि इस तरह से मिलेगा 3.4747 47 47, और ये सर इसके 2.325 325 325, ये आगे एंड सो ऑन, यहाँ पर भी एंड सो ऑन, लाइक 1.22222 सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप डिवीजन करते हो तो देखोगे आपको सिर्फ दो तरीके का डेसिमल नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन डिवीजन से ही डेसिमल नंबर नहीं क्रिएट कर जा सकते, वो अगला हम आगे देखते हैं और कैसे हम डेसिमल नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, डेसिमल नंबर हम सिर्फ डिवीजन से नहीं जनरेट कर सकते, और डेसिमल नंबर जो है कि कितने तरीके को, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने लिखा, ये देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है बेटा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, ये 2.3, आगे कुछ नहीं, आगे खत्म हो गया। 3.45 ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन सेकंड कैटेगरी वाला डेसिमल नंबर आप देख रहे हो 3.47 47 47 कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर भी 2.325 325 कंटिन्यू एंड सो ऑन, मतलब आगे डिवाइड करते जाओगे आप, आगे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर फर्स्ट कैटेगरी का नंबर होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं बेटा, जो खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 3.2 1.5, ये क्या हो रहा है 1.567, ठीक है, ये क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। आफ्टर डेसिमल एक डिजिट खत्म, आफ्टर डेसिमल वन डिजिट खत्म, आफ्टर डेसिमल थ्री डिजिट खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर अगला क्या आता है बच्चों, अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बेटा रिपीटिंग, रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीटिंग, रिपीट करते रहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पर देखिए 4747 47 47 बार बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, 3.25 3.25 3.25 रिपीट करता जा रहा है, 2.2.2 हर बार रिपीट करता जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब खत्म नहीं रहा तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, एक पैटर्न, कोई भी पैटर्न रिटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जब जब कोई भी डेसिमल नंबर खत्म ना हो और एक पैटर्न रिपीट करे तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं जैसे कि यही लिख लेते हैं 1.23 23 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं, ऐसे नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है या फिर रिपीटिंग है, उनको हम लिख देते हैं इस तरह से 1.23 शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पर एक बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि ये 2 3 2 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 2 3 2 3 आगे रिपीट करता जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ 3.25 7 6 5 7 6 5 7 6 एंड सो ऑन, इसका मतलब। और मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा भाई, 3. देखो 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 तक मैं बार नहीं लगाऊंगा, फिर आगे क्या लगा दूंगा, 5 7 6 पे बार लगा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब 5 7 6 5 7 6 रिपीट कर रहा है। कभी कभी इसमें हम क्या करते हैं ना, 3.2 जैसे है 5 7 6, तो यहाँ पर 3 डॉट भी लगा देते हैं, मतलब ये 5 7 6 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। कभी कभी डॉट भी लगाते हैं, कभी किसी बुक में आप देखोगे, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे आप सर्व करते हो तो आपको पता चलेगा, हो सकता है कि आपके बुक्स में ना दिया हो, लेकिन अगर आप इस तरह के भी नंबर्स लिखे हुए देखते हो तो इसका मतलब ये है कि 5 7 6 क्या है, रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो क्या हो, एक पैटर्न रिपीट होता रहे, ऐसे डेसिमल नंबर जिनका जिनमें एक पैटर्न रिपीट होता रहे और खत्म ना हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, ये भी बात ध्यान देने वाली बात है बेटा, मैंने बताया कि ये जो दो हर एक डेसिमल नंबर डिवीजन से ही जनरेट नहीं होते, ये मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसको भी आप फ्रैक्शन से जनरेट कर सकते हो, तो वाइस वर्सा अगर इसका सोचा जाए, हमें अगर वाइस वर्सा सोचते हैं बेटा, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन से जनरेट कर सकता हूँ, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा, मतलब इसको मैं कभी ना कभी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, p अपॉन q फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, रेशियो फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने अभी तक डिस्कस किया आपसे कि
डेसिमल नंबर हमेशा रेशियो से ही जनरेट नहीं होते, लेकिन अभी जो दो फॉर्म मैंने पढ़ाया है अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये हमेशा जो है फ्रैक्शन से ही जनरेट होते हैं। तो इसका उल्टा मैं कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि अगर ये डेसिमल नंबर्स आपको मिल जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो उनका अपना ना कुछ पी अपॉन क्यू, मतलब उनका अपना कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अभी हम आगे जो नंबर पढ़ेंगे उसमें ये पी अपॉन क्यू वाला टर्म याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के नंबर होते हैं इनको मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों तीसरा जो डेसिमल नंबर आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको अभी पहले कि डेसिमल नंबर हमेशा बेटा फ्रैक्शन से ही जनरेट नहीं किया जा सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ टू का। स्क्वायर रूट ऑफ टू की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.414। ठीक है, आगे आप स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल में वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टू से भी हमें डेसिमल नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से भी निकाल सकते हो, कोई भी एनथ रूट आप निकाल सकते हो, जैसे 5 का निकाल सकते हो 1/3, कोई भी एनथ रूट आप निकाल सकते हो अगर आप अंदर वाली वैल्यू अगर परफेक्ट नहीं आ रही। परफेक्ट इस तरह से कि मतलब कि अगर आप क्यूब, जैसे क्यूब रूट निकालते हो और आपको अगर अंदर अंदर जो है अंदर जो क्वांटिटी है वो क्यूबिक नहीं है, क्यूब नहीं है, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, और अगर आप उसका क्यूब रूट निकालते हो तो आपको डेसिमल नंबर ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि अगर 27 है, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 27 था बेटा ये 3 का क्यूब था। ठीक है, जैसे 64 है, 64 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो ये 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 64 अगर 64 जो है वो 4 का क्यूब है। लेकिन अगर आपको इस तरह का नंबर ना दिया जाए, अगर मैं यहीं पर कर दूं 63 का क्यूब रूट निकालो तो क्या आएगा? अगर आप निकालोगे तो देखोगे ये कुछ ना कुछ क्या आएगा, आंसर जो है डेसिमल में आएगा। तो जहां पर चीजें परफेक्टली सेटल ना दी जाए, आप समझ लो, ठीक है, सेट चीजें ना दी जाए जिससे कि उनका क्यूबिक निकालने पर इंटीजर आ जाए, अदरवाइज इंटीजर नहीं आया तो वो क्या होगा? डेसिमल नंबर ही आएगा। तो एक चीज और ध्यान देना, अगर ऐसे डेसिमल को जब हम देखेंगे तो ये डेसिमल क्या नंबर होते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये भी आप स्क्वायर रूट निकालते जाओ आगे ये जाता जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये जो नंबर्स हैं 414 ये रिपीट नहीं होते हैं, आगे कुछ और मिलेगा। सपोज मैं नहीं जानता हूँ क्या हो सकता है 2 यहाँ मिल जाए। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं निकाल के दिखाता आपको। तो ये आगे कंटिन्यू हो, लेकिन ये इतना तो फिक्स है कि ये क्या होगा बेटा, रिपीट नहीं करेगा। ये जो एक पैटर्न बनता था यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें सेकंड वाले में, ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है लेकिन यहाँ पर पैटर्न बन रहा है 2 3 2 3 2 3, ये चीजें इसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन से नहीं आता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने क्या क्या डिवाइड कर रखा है बेटा, हमने इन डेसिमल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, डेसिमल नंबर को हमने क्या कर रखा है, दो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या भाई? इन डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर बोल रखा है हमने और इरेशनल नंबर। तो बेटा अगला जो नंबर है वो नंबर है रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो नंबर पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा जा सके उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जहां पर क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट, मतलब सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, जो कि पता ही नहीं हमें। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते। तो इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं बेटा? देखिए ऊपर हमने जो अभी नंबर पढ़े वो कौन कौन से नंबर पढ़े आप देख सकते हो, हमने पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है बेटा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में ये सारे सारे आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक आपने पढ़े हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल में क्या होता है भाई? रियल नंबर का आपने कैटेगराइज पढ़ा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स,
और फिर पढ़ा आपने डेसिमल, ठीक है। रियल नंबर को आपने इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया, ठीक है, डेसिमल्स। अब देखो फिर से आपने ये इंटीजर और डेसिमल में कैटेगराइज किया, और रेशनल और इरेशनल भी क्या है, इसी का कैटेगराइजेशन है एक अलग तरीके से। रियल नंबर का ही कैटेगराइजेशन क्या होगा बेटा, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। आगे तो अब क्या होता है, अब रेशनल में क्या होता है, यहां से देखो, यहां देखो जो पहले आपने कैटेगराइज किया था वहां से इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब उसको मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे 3 है, आप इसको लिख सकते हो 3/1, या फिर लिख सकते हो 6/2। 6/2 की वैल्यू क्या होती है, 3, मतलब 3 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। उसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो जैसे मैंने जब अभी पढ़ाया आपको, ये देखिए फर्स्ट 2 कैटेगरी जो मैंने पढ़ाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो पढ़ाते समय ये मैंने बताया था कि ये दोनों डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ये फ्रैक्शन से ही बनते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे जो एक्सरसाइज आएगा उसमें कैसे इनके फ्रैक्शंस लिखना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अब याद रखिए, मैंने इसको पढ़ाते समय बताया भी था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसका अपना कोई ना कोई फ्रैक्शन होता ही है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। इसलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 4 तरीके के नंबर होते थे इंटीजर्स, डेसिमल में 3 तरीके के, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो इनमें से ये जो इंटीजर्स और ये डेसिमल नंबर 1, 2, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों रेशनल, ये चारों, हाँ सॉरी, ये तीनों क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जो इरेशनल होता है वो वाला कौन सा डेसिमल नंबर होता है, ये जो हमने लास्ट में पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो कि किससे आता है, फ्रैक्शन से आता नहीं है वो, आपने अपने मैंने अभी दिखाया आपको कि किससे आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ना हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो हमें, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो और उसका हमें क्यूब रूट निकालने के लिए दे दे, जैसे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 63, तो हमें क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर है कभी फ्रैक्शन से तो आया नहीं, तो जब फ्रैक्शन से आएगा नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो थर्ड कैटेगरी मैंने हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया ही, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या फिर ऐसे कह सकते हो कि नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो, और अगर पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते हो तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया ही बेटा कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और उसका क्यूब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप, तो वो डेसिमल नंबर देगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, या फिर कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है और उसका आप अगर क्यूब रूट निकाल रहे हो, लाइक 28 का क्यूब रूट निकाल दो आप, ठीक है, 29 का क्यूब रूट निकालो, ओके, या फिर क्यूब रूट, सॉरी, या फिर फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी निकालो बेटा, जैसे कि मैं कर दूं 40 का आप निकालो फिफ्थ रूट। तो ये जो नंबर है किसी भी नंबर का पावर 5 करने पर नहीं आ रहा है 40, ठीक है, इसका मतलब अगर उसका फिफ्थ रूट लेगो तो आपको आपको डेसिमल नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह के नंबर्स जब भी दिखें आप उनको क्या 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 टिक करोगे, अगर आपसे पूछा जाए वन लाइन में तो क्या बताओगे, इरेशनल। बस ध्यान देना है कि उसका अगर मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह की चीजें ना हो, क्यों आ रहा बेटा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का रूट लोगे तो 2, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज जो इस तरह के नंबर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, कुछ भी रहे, उसको आप किस पे टिक करोगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक मैंने इसके बेसिस पे एक कैटेगरी बनाया हुआ है, एक बार इसे रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर, सॉरी, रियल नंबर का कैटेगरी बनाया मैंने, तो रियल नंबर हमने पढ़ा उसमें इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में आप सब कुछ एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स में मैंने बताया होल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद
रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर डेसिमल। ठीक है, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हमने तीन कैटेगरी में बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, फिर नॉन टर्म सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने पढ़ा रेशनल और इरेशनल। अब ध्यान देना, देखो इनमें से जो इंटीजर्स और डेसिमल होते हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलता हूँ इनको, ये रेशनल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं रेशनल। इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको भी मैंने बताया, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी होता है रेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी होता है रेशनल नंबर। ठीक है, ये वाला जो सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है, जो स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट, इस तरह वाले नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल। तो आई होप नंबर सिस्टम आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, रियल नंबर को हम रेशनल और इरेशनल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बच्चा लोग आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर जो होगा बेटा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट इट जीरो एज अ जीरो अपॉन वन। ठीक है, और यू कैन राइट जीरो अपॉन टू। जीरो अपॉन वन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। जीरो अपॉन टू ऑल्सो कितना आएगा? जीरो। सो वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये क्या है? पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो वी कैन राइट जीरो एज अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, दैट इज वाई ये नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो पहली बात तो बेटा बता दूं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो थ्री और फोर के बीच में आप कितना भी छोटा से छोटा इंटरवल ले लो, यहाँ तो एक पूरा वन का इंटरवल है, तो किसी भी इंटरवल में थ्री से लेके 3.1 के बीच में भी कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट। कैसे भाई? 3.11, 3.12, इस तरह से लिखते जाओ, फिर 3.111, ये भी इसी के बीच में आएगा, 3 से 3.1 के बीच में। तो किसी भी छोटे से छोटे इंटरवल के बीच में अगर दो नंबर के इंटरवल है तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तो एक पूरा पूरा एक नंबर का गैप है थ्री से लेके फोर के बीच में। ठीक है, आपको सिक्स रेशनल नंबर लिखना है। तो रेशनल नंबर मैंने क्या बताया था? रेशनल नंबर केवल वही रेशनल नंबर नहीं होता है जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग हो, अदरवाइज हर एक नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो कोई अगर मान लो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख देते हैं तो ये क्या होगा? ये बेटा एक रेशनल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर इसके बीच में रख दो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 31 अपॉन 10, ठीक है, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, सिमिलरली 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, ये क्या है? ये सारे नंबर्स क्या है? बीच में ही है, 3 से लेके 3.4 के बीच में, सॉरी 3 से लेके 4 के बीच में। तो इनफाइनाइट नंबर्स यू कैन राइट बिटवीन 3 टू 4 व्हिच आर रैशनल। ठीक है, रैशनल, इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब आपके बुक में कुछ और आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे वहां पे बुक में लिखा हुआ इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो एग्जाम इनफाइनाइट नंबर्स में से बुक में कुछ और दिया है आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3.1, 3.2, 3.3 लिखते हो वो भी सही है, ये भी तो 3 से 4 के बीच में ही है, और मैंने अभी बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहे? कोई ज्यादा, बहुत सारे जगह मैंने देखा है बुक में लिखा हुआ है उसके एलसीएम बनाओ, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे कोई जरूरत नहीं है बेटा। 3.1 इज अ रेशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 3 टू 4, सीधी सी बात। 3.2 इज अ रेशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 3
थ्री टू फोर, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, दिस इज करेक्ट आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव, ठीक है। तो बेटा एक तरीका तो यही है कि थ्री बाई फाइव को आप डेसिमल में लिख लो 0.6, और ये फोर बाई फाइव को आप डिवाइड करके देख लो तो 0.8। तो 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, कोई भी पांच नंबर लिख दो, ठीक है। 0.61, 0.63, कोई दिक्कत नहीं है, 0.67, 0.73, 0.78, ये पांच नंबर हो गए, ठीक है। चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख दो, 61/100, ये क्या हो सकता है, 63/100, ये हो जाएगा 67/100, ये हो जाएगा 73/100, ठीक है, और ये हो जाएगा 78/100। इस तरीके से ये पांच नंबर आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले तो ये जैसे दिया हुआ थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है सेम है, तब तो इजी हो गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, किसी भी नंबर्स का जो बड़ा से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। जैसे हम कर देते हैं सपोज 100 का कर दो, चलो 100 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी, और इधर भी 100 का, बड़े से बड़ा करोगे तो ताकि बीच में खूब गैप मिले और आराम से लिख सको। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 300, ये अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 300/500, ठीक है। एंड ये कितना हो गया 400/500। अब इनके बीच में खूब नंबर लिख दो आप, जितना भी मन करे, ठीक है। जैसे कि 301/500, 302/500, 303/500, कोई भी भाई, 409/500, ठीक है। सॉरी 409 नहीं, क्रॉस हो गया, आई एम सो सॉरी, 351/500 एंड 399/500, तो ये पांच नंबर आ गए। इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू 3/5 और 4/5 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो कभी कभी 10 बड़े से बड़ा करोगे ताकि स्पेस आपको ज्यादा मिले, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ से, 300/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 नंबर तो यही वो इंसर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। क्यों भाई, नेचुरल नंबर में क्या होता है बेटा, एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर अपना होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में सिर्फ सेम चीज होते हैं, सिर्फ जीरो इनपुट कर देते हैं एक्स्ट्रा। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। वन क्या होल नंबर है, टू क्या होल नंबर है, थ्री क्या होल नंबर, फोर क्या होल नंबर है, ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो, बना दो, हाँ। वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, तो पहला इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, ठीक है। पहले का आंसर क्या आएगा, यस। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या आएगा बेटा, नो, क्योंकि इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, बट ये क्या होते हैं, होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। होल नंबर तो अपना ये है, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन होल नंबर में इन नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। मतलब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, या फिर लिख दोगे फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, और ये इसको कर लो ट्रू, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं एवरी रैशनल इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल इज अ होल नंबर, ये कोई जरूरी है भाई, रैशनल नंबर मैंने बताया आप लोग को, डेसिमल नंबर होता है 3.2, क्या है ये, रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, डेसिमल नंबर होल नंबर में नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज
होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आप लिख सकते हो डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बेटा आई होप ये चैप्टर आपको, सॉरी ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।